टू मेक मनी एज अ स्टूडेंट. आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट चाहते हैं, ये बहुत डिमांडिंग टॉपिक है. आप लोग सोच रहे हो, कई लोगों को समझते हैं, अरे ये चीज़ें फेक है यार, आंदा क्या कर रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है, यार कुछ नहीं रहेगा यार इस चीज़ों में, कैरियर थोड़ी ना इसमें. भैया पढ़ ले, बहुत लोग ये भी सुनते हो गया. अब देखो यार, चीज़ें एक्सप्लोर करना है इज़ अ गुड ऑप्शन, बिकॉज आज के टाइम में AI के टाइम में, ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ इनफैक्ट जो जॉब मार्केट का रियलिटी है, ठीक है जी. अब AI जॉब खा सकता है, बिकॉज जॉब उन्हीं का खाएगा जो अपने आप को टाइम के साथ अपग्रेड नहीं करे, जस्ट कॉलेज में डिग्री ले लिया. आज के टाइम में अपन जो डिग्री में बताया जाता है एंड जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है, वो दैट पूरा डिफरेंट है यार, ठीक है. किन्नों को फ़र्क नहीं पड़ता यार आपकी क्या डिग्री है, ठीक है. आप कंपनी में काम करने के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो, वो कंपनी डिसाइड करता है. वो किस बेस पर, जेनेटिक्स बेस पर नहीं डिसाइड करेगा आपका मार्क्स कितना है, आपकी डिग्री कौन सी है, वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भाई, ठीक है. उसके बाद तो यार आपका स्किल काम आता है. जॉब होने के बाद, अच्छा पैकेज रखने के बाद, आपका पैकेज कम भी हो सकता है, मतलब वो होगा ही अगर आपके अपने अपने टाइम के साथ अपनी स्किल को अपग्रेड नहीं किया तो. आपकी स्किल्स मैटर करती है यार. आपको यार कंपनी में काम करो, आपको 1 का 10 करना है, सिंपल. आप 1 का 10 कर सकते हो, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती. आपने जॉब 10,000 से पकड़ी और आपका कंपनी का प्रॉफिट कर रहा है यार, 1 का 10 कर रहा है भाई, तो आपका सैलरी 10,000 से 1 लाख होने में साल भी नहीं लगेगा प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है. और डिग्रीज होने में वैसे ही बता, 1 लाख का लगा 20,000 पे आ जाओ अगर टाइम के साथ अपग्रेड नहीं कर रहे, स्किल्स नहीं सीख रहे. तो स्किल्स आर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट. अब स्टूडेंट लाइफ से ही अगर आप चीज़ें सीखोगे अपने 11th 12th की जर्नी में, 10 से आजकल यार कितना 15-15 साल के एज में लोग कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, कंपनियाँ स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है. हम लोगों ने भी अपनी जर्नी के स्टार्ट तभी किया था, है ना, एंड काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया, सीखा यार, चीज़ें पता चली यार लोगों का क्या है चीज़ें. तो लाइफ के ये सब एक्सपीरियंसेस होते हैं यार, ठीक है. तो स्टार्ट ज़रूर करना चाहिए भैया, क्लास 11th में तो बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए. कॉलेज में आ चुके थे यार, बिल्कुल देरी ना करते हुए लग जाओ, जो भी आपका इंटरेस्ट है साइड हसल बनाने में, है ना. अब कैसे कैसे बंदा पैसा कमा सकता है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको तरीका बनाया वो एक एग्जिस्टिंग काफ़ी टाइम चल रहा है, फ्रीलांसिंग वगैरह, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग एंड ऑल सब चीज़ें कर रहा है. बट यार आप अपने को अब हर चीज़ में टाइम के साथ अपग्रेड करना पड़ेगा यार. अब ग्राफिक डिजाइनिंग यार बंदा कर सकता है AI की मदद से, वीडियो एडिटिंग हो सकती है, हर चीज़ हो सकता है. क्या इसका जॉब खत्म हो गया, मार्केट खत्म हो गया? अब आपको क्या, कुछ लोग कहते हैं यार फॉरेन क्लाइंट्स को आप लोग करिए पिच. देखो जी, कहने में और इम्प्लीमेंटेशन में दैट इज़ अ बहुत वास्ट डिफरेंस होता है, ठीक है. तो वो चीज़ें भी समझना पड़ेगा, बट स्टार्ट स्मॉल, ठीक है. आप छोटे लेवल से स्टार्ट करो, चीज़ें करना स्टार्ट करो, सीखने से स्टार्ट करो, लोगों के लिए फ्री में काम करो, इस मोटिव से काम करो, और ऐसा काम करो जो आपका इंटरेस्ट, जो आप स्टार्टिंग में फ्री में भी कर सकते हो, कम पैसे में भी कर सकते हो, एंड उसको बढ़ाने की कोशिश करो. आपकी एक शुरुआत हो सकती है, एक यूट्यूब चैनल से हो सकती है, एक वेबसाइट से हो सकती है, बट एक रियलिटी जान लो, ऑनलाइन में स्टार्ट करना इज़ आसान, बट सस्टेन करना इज़ डिफिकल्ट. अपन को आप लोगों ने खुद अपने बिजनेस जर्नी में ये चीज़ फेस किया. बाकी आप कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई आपने स्टार्टअप किया, कोई आइडिया है, आप हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हो. अपने कंसल्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे, बिकॉज हमने काफ़ी कुछ किया है, क्या है क्या नहीं, आपको गाइड कर सकते हैं. बिकॉज फेलियर भी हम लोगों ने बहुत लेवल तक छोड़ा है, बट अपन ये नहीं मानते अपन का बिजनेस कोई नहीं फेल हुआ है, सब सीढ़ियों के स्टेप के साथ आगे बढ़े, ठीक है. आप कुछ भी क्वेरी हो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दो, 9026405369, ये नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो कुछ भी हो आप, मतलब आप कुछ करना जरूर सीख रहे, बिकॉज स्टूडेंट लाइफ है आज के टाइम में यार, हर एक स्टूडेंट चाहता है यार मतलब साइड हसल जनरेट करें. एंड सोशल मीडिया ने ये चीज़ बहुत ईजी कर दिया, बहुत आसान है, सबको करना चाहिए यार, मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ. तो थैंक यू सो मच.